हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स। तो यहाँ पर हम दो जो है कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। एक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है जो कि आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और बाकी की जो नर्व्स होती हैं ये नर्व्स सारी आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो आज हम जो नर्व्स पढ़ेंगे, स्पाइनल नर्व और इसके अंदर क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों आती हैं, ये हम पढ़ेंगे। साथ में हम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों छोटे से टॉपिक सिमिलर से हैं, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ न्यूरल केबल। न्यूरल केबल हम कहते हैं ऐसी केबल जिसके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हो। तो अगर हम नर्व की बात करते हैं तो नर्व के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन तो होते हैं लेकिन पूरे न्यूरॉन मौजूद नहीं होते। अगर एक नर्व को हम उठा के देखें तो नर्व के अंदर, नर्व सेल के अंदर एक जो है वो बॉडी होती है सेल की, जिसे हम कहते हैं गैंग्लिया, क्योंकि वो साथ में ज़्यादा बॉडीज़ मौजूद होती हैं तो वो सारी मिला के गैंग्लियन कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगी, बॉडी है सेल की जिसे सोमा कहते हैं, और यहाँ पर ये इसका पार्ट होगा जिसे एक्सॉन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सॉन, और यहाँ पर अगर दूसरा न्यूरॉन होगा तो उसका यहाँ पर डेंड्राइट मौजूद होगा। तो डेंड्राइट और एक्सॉन जहाँ पर मौजूद हैं, ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ डेंड्राइट और एक्सॉन मौजूद हैं, सेल की बॉडीज़ नहीं हैं, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है नर्व। तो अब नर्व को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक्सॉन और डेंड्राइट होते हैं और इनकी जो सेल बॉडीज़ हैं वो दूर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ एक्सॉन और डेंड्राइट मौजूद हैं ये कहलाती है नर्व। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास एक नर्व केबल नहीं है, ये एक न्यूरल केबल है, मतलब इसके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। तो अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक पूरी केबल बना रहे हैं और ये केबल कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन से निकलती है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जाती है नीचे, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ब्रेन डाउनवर्ड थ्रू द बैकबोन। ये हमारी बैकबोन हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ये जा रही होती है और ये ब्रेन से निकलती है, ब्रेन से एक्सटेंड होती है। तो ब्रेन से ये ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाकर हमारे बैकबोन के अंदर जाती है, और बैकबोन के अंदर ये प्रोटेक्टेड होती है बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होती है, मतलब यहाँ से क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम जा रहे होंगे तो ये उसके अंदर से होगी, तो ये उसको बचा रहे होंगे, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम्स। एंड इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे मेनिंजीज कहते हैं, जैसे एक लेयर हमारे ब्रेन के ऊपर होती है और वो भी मेनिंजीज कहलाती है, तो वही सेम लेयर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी मौजूद होती है, विच आल्सो कवर्स द ब्रेन। और ये मेनिंजीज ब्रेन पर भी है और स्पाइनल कॉर्ड पर भी मौजूद है। Inside the spinal cord, two zones, the inner zone, gray matter and primarily consist of cell bodies of the interneuron, motor neuron and ganglia. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन्स हैं, एक है बाहर वाला रीजन जो कि वाइट कलर का है, और एक है अंदर वाला रीजन जो कि इनर जोन कहलाता है और इनर जोन ग्रे कलर का होता है। तो अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से आपको बटरफ्लाई शेप यहाँ पर जो है वो एक नज़र आएगी, और ये बटरफ्लाई शेप जो है यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा डार्क मैटर होगा, मतलब ग्रे कलर का होगा, और इसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, साथ में इसके अंदर सेल की बॉडीज़ होंगी, किसकी, इंटर न्यूरॉन के सेल की बॉडीज़, और साथ में यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के, यहाँ पर बाहर से मोटर न्यूरॉन आएंगे उनकी भी सेल की बॉडीज़ यहाँ पर होंगी, और न्यूरोग्लियल जो सेल होंगे जैसे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, वो भी एक न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि एक माइलिन शीथ प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये भी न्यूरोग्लिया सेल, ये भी यहाँ पर इसकी, इनकी सेल की बॉडीज़ इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो सेल बॉडीज़ जो हैं वो सोमा जो हैं वो सभी न्यूरॉन्स की इस बटरफ्लाई शेप के अंदर मौजूद होंगी, जो कि हमारा इनर रीजन है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। और उसके बाद ये बाहर वाला रीजन है, ये क्या होगा, ये वाइट कलर का होगा, वाइट मैटर होगा, और इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर सिर्फ नर्व्स होंगी जो कि हमारे एक्सॉन होते हैं, तो एक्सॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो आउटर जोन इज़ अ वाइट मैटर एंड कंटेन एक्सॉन ऑफ सेंसरी एंड डॉर्सल कॉलम एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन इन द वेंट्रल कॉलम। तो इसके डॉर्सल कॉलम के अंदर, मतलब पीछे वाली साइड के अंदर जो एक्सॉन होंगे वो किसके होंगे, वो सेंसरी न्यूरॉन के होंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन होंगे वो पीछे से आ रहे होंगे, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होगी, तो इसके अंदर ये पीछे वाली जो साइड होगी यहाँ से जो न्यूरॉन्स आ रहे होंगे वो, ये जो एक्सॉन आ रहे होंगे ये किसके होंगे, ये सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन होंगे, और यहाँ से
जो जा रहे होंगे एक्सॉन वो किसके होंगे, वो मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन होंगे। तो इन्फॉर्मेशन वेंट्रल साइड से मतलब पीछे वाली साइड से आती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और आगे वाली साइड से ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है वापसी। तो इस तरह से ये इसके अंदर अरेंजमेंट होती है। डॉर्सल साइड से पीछे वाली साइड से सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन आते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आते हैं। उसके बाद आगे वाली साइड से ये जो है वो मोटर न्यूरॉन्स यहाँ से चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन को लेकर, और बाकी ये स्पाइनल कॉर्ड ले जाती है ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन को, वहाँ पर इंटीग्रेशन होकर फिर से वापसी आती है, और इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन रेगुलेट होती है इसके अंदर। और उसके बाद लिखा है दीज नर्व ट्रैक्स में ऑल्सो कंटेन डेंड्राइट्स ऑफ दीज नर्व सेल्स। इसके अंदर डेंड्राइट्स भी मौजूद होते हैं नर्व सेल के। अब देखें इसके अंदर, अगर आप हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या है, ये जो बीच में आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको यहाँ पर ये जो कलर नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, ये बटरफ्लाई शेप, ये हमारे पास इनर जोन है जो कि ग्रे कलर का है। यहाँ पर क्या है, सेल बॉडीज़ हैं, और सेल की बॉडीज़ मौजूद यहाँ पर हैं, बाकी सेल की जो एक्सॉन वगैरह हैं ये सारे इससे बाहर मौजूद हैं, इस स्पाइनल कॉर्ड के इस इनर जोन के बाहर मौजूद हैं, जो कि इस वाइट मैटर के अंदर मौजूद होंगे। तो एक्सॉन और डेंड्राइट इस वाइट मैटर के अंदर होंगे, बाकी कुछ सेल की बॉडीज़ जो है वो इस ग्रे मैटर के अंदर मौजूद होंगी। अब सेल की बॉडीज़ जो होंगी यहाँ पर ग्रे मैटर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगी, साथ में यहाँ पर इंटर न्यूरॉन भी होंगे। और इसके डॉर्सल साइड जो होगी वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखें, अब ये साइड जो है ये डॉर्सल साइड है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से इंटर होंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन जैसे ही यहाँ से सबसे पहले यहाँ से आएंगे, और इसके बाहर यहाँ पर इसकी सेल बॉडीज़ होंगी। सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती हैं। उसके बाद ये अंदर जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इंटर न्यूरॉन होंगे, इंटीग्रेशन होगी, और यहाँ से मोटर न्यूरॉन की यहाँ पर बॉडी मौजूद होगी। उसके बाद यहाँ से मोटर न्यूरॉन जो है वो बाहर चले जाएंगे। तो पीछे वाली साइड से डॉर्सल साइड से सेंसरी न्यूरॉन आ रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन आ रहे हैं, और आगे वाली साइड से वेंट्रल साइड से मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन होती है। और यहाँ पर इसके इनके नर्व के अंदर इस इन ट्रैक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेंड्राइट्स भी मौजूद होते हैं, डेंड्राइट्स भी मौजूद होते हैं इस रीजन के अंदर। ग्रे मैटर, सॉरी वाइट मैटर है, इस वाइट मैटर के अंदर क्या होगा, और सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसकी कंपोजिशन है। मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी दैट रन्स अप डाउन द स्पाइनल कॉर्ड द बॉडीज इंफॉर्मेशन हाईवे। तो मैसेजेस जो होते हैं वो बॉडी से अपवर्ड जो है मूव करते हैं इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अगर कहीं से नीचे से इंफॉर्मेशन आ रही है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो ऊपर जाएगी और ब्रेन के पास पहुंच जाएगी। तो ये एक हाईवे के तौर पे काम कर रहा है, बॉडी का जो है इंफॉर्मेशन का हाईवे होता है। इन एडिशन टू रिलाइंग मैसेजेस द स्पाइनल कॉर्ड आल्सो फंक्शन इन रिफ्लेक्सेस। ये मैसेजेस को एक तो रिलाय करता है, मैसेजेस को पहुंचाता है, मैसेजेस को ट्रैवल करवाता है स्पाइनल कॉर्ड, और साथ में ये रिफ्लेक्सेस के अंदर भी इम्पॉर्टेंट काम इसका होता है। रिफ्लेक्सेस मतलब रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं, जो अचानक से मूवमेंट होती है, ये सारे रिफ्लेक्सेस एक्शन जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। द सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल, जो अचानक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है मसल्स की, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ये भी ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। द रिफ्लेक्स प्रोड्यूस अ रैपिड मोटर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस बिकॉज द सेंसरी न्यूरॉन पासेज इंफॉर्मेशन टू अ मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये रिफ्लेक्सेस जो होंगे ये बहुत ही रैपिड होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो जनरेट होते हैं, और जल्दी से वो सेंसरी से मोटर न्यूरॉन्स के अंदर चले जाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो एक यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, और जल्दी से यहाँ पर इंटीग्रेशन होकर ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड वो रीजन होता है जहाँ पर जल्दी से इंटीग्रेशन हो जाती है और फास्ट रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं, फास्ट रिफ्लेक्सेज हमें मिलते हैं। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आएगी और मोटर न्यूरॉन के थ्रू चली जाएगी। बीच में एक एक जो है वो इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन एक मौजूद होगा, जो कि इसको कंट्रोल करके जल्दी से भेज देगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और ये फास्ट रिस्पॉन्सेज इसी वजह से पॉसिबल हैं हमारे बॉडी के अंदर। और ये इसके अंदर किसका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो ये हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में।
और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, इसके बीच में ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। बीच से अगर आप काट के देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे ये जो है कुछ नर्व्स आ रही हैं, कुछ नर्व्स जा रही हैं, और ये हमारे पास जो है वेंट्रल रूट कहलाती है, डॉर्सल रूट कहलाती है, जो कि कहाँ से आ रही है, डॉर्सल साइड से आ रही है, डॉर्सल साइड से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर हो रही है, तो ये डॉर्सल रूट कहलाती है। इसके अंदर क्या है, नर्व्स मौजूद हैं। तो अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, PNS, इसके अंदर नर्व्स आती हैं। तो हम सिर्फ नर्व्स के बारे में छोटा सा टॉपिक है इसको डिस्कस करते हैं। दो तरह की हमारे पास नर्व हैं, एक है क्रैनियल नर्व और एक है स्पाइनल नर्व्स इन मैन। तो क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ये दो तरह की नर्व्स होती हैं। और एक नर्व क्या होती है, ये हमने आपको बताया कि सेल की बॉडीज़ को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है जिसके अंदर एक्सॉन आता है, और यहाँ से ये दूसरी हमारे पास क्या है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इसकी भी यहाँ से क्या जा रही है, ये इसकी यहाँ से एक्सॉन जा रहा है। तो ये दोनों एक्सॉन और यहाँ पर कुछ अगर डेंड्राइट भी होंगे किसी सेल के, तो ये सारी चीज़ें मिलके ये जो है ये पार्ट क्या कहलाता है, ये नर्व कहलाता है, जिसके अंदर सेल की बॉडीज़ नहीं होती, सिर्फ डेंड्राइट या एक्सॉन होते हैं। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व एसोसिएटेड विद गैंग्लिया। तो इसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, पेयर्ड क्रैनियल नर्व होती हैं या स्पाइनल नर्व होती हैं। क्रैनियल नर्व वो नर्व कहलाती हैं जो कि हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, और स्पाइनल नर्व वो नर्व कहलाती हैं जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो है अराइज होती हैं। तो ये हमारे पास दो तरह की नर्व्स हैं, साथ में इनके गेंगलिया भी प्रेजेंट होंगे जो कि साइड पे मौजूद होते हैं। गेंगलिया क्या हैं, गेंगलिया जो है इन नर्व्स के अंदर, इन नर्व के अंदर साइड में सेल्स मौजूद होते हैं। सेल की बॉडीज़ जो होती हैं वो सभी न्यूरॉन्स की यहाँ पर कलेक्शन के तौर पर मौजूद होती हैं, और इन्हें हम गेंगलिया कहते हैं। द क्रैनियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड इनर्वेट इन द ऑर्गन्स ऑफ द हेड एंड अपर बॉडी। तो ये क्रैनियल नर्व्स जो है ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ से ब्रेन के अंदर से कुछ नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारे फेस के अंदर, हमारे ऊपर वाले, हमारे सिर्फ हेड के अंदर मौजूद होती हैं। तो हमारी हेड के, हमारे मुंह पर जाकर वो ख़त्म होती हैं, हमारे हेड पर, हमारी अपर बॉडी के अंदर ये जो है वो ऑर्गन्स के अंदर ये ख़त्म होती हैं। तो क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से आएंगी और हमारे सिर्फ हेड के अंदर ये मौजूद होंगी, ये पेयर्ड होती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ये शामिल होती हैं। देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व। हमारी क्रैनियल नर्व के कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं, मतलब 12 जो है ये क्रैनियल नर्व्स एक ब्रेन से यहाँ से निकल रही होंगी। टोटल 12 क्रैनियल नर्व्स होंगी जो कि हमारे पूरे हेड के अंदर शामिल होंगी। और 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं इंसान के अंदर, मतलब 31 पेयर्स होते हैं, तो टोटल कितनी होगी, 62 स्पाइनल नर्व्स हैं। और यहाँ पर 12 पेयर हैं, मतलब 24 क्रैनियल नर्व्स हैं हमारे पास। उसके बाद लिखा है, मोस्ट ऑफ क्रैनियल नर्व्स कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, बट फ्यू ऑफ द क्रैनियल नर्व्स आर सेंसरी ओनली। अगर हम क्रैनियल नर्व्स की बात करें तो क्रैनियम के अंदर क्या है, हमारे हेड के अंदर क्या है, कुछ हमारे पास आँखें हैं, आइज़ हैं, साथ में यहाँ से हमारे पास ब्रेन होगा, तो वो कुछ नर्व्स जो है वो यहाँ से जनरेट कर रहा होगा, और ये नर्व्स पूरी हमारे हेड के अंदर शामिल होंगी। तो इसके अंदर कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन बोथ होते हैं, मतलब एक नर्व के अंदर क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन भी होगा और मोटर न्यूरॉन भी होगा। सेंसरी न्यूरॉन जो है इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा ब्रेन तक, और मोटर न्यूरॉन फिर से लेकर जाएगा। तो ऐसी ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर हम जो है वो पहले तो सेंस कर सकते हैं, उस वहाँ पर वो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, साथ में उसके अंदर वहीं पर इफेक्टर अगर मौजूद हो तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि पहले रिसेप्टर से वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, और फिर ब्रेन एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जहाँ पर उसको, उस इफेक्टर ऑर्गन को मोशन करवाना होगा, जिसकी वजह से वो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स होगा। तो अगर ऐसे, जैसे कि हमारी आँख है, आँख के अंदर क्या होगा, आँख जो है वो यहाँ पर सिर्फ ये सेंस करती है, ये सिर्फ हमारे पास इन स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है, इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, हमारी आँख कोई रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसीलिए ये नर्व जो होगी इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन होंगे और इसके अंदर मोटर न्यूरॉन मौजूद नहीं होंगे।
तो बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स के अंदर क्या होते हैं, सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रेनियल नर्व्स हैं जिसके अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व, हमारे नोज़ की जो नर्व है जो कि स्मेल का रिसेप्टर डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन को बताती है, तो इसके अंदर कोई भी मोटर पोर्शन नहीं होगा, मतलब वहाँ से रिस्पॉन्स कोई नहीं आएगा हमारे नोज़ को, नोज़ जो है वो इफेक्टर ऑर्गन नहीं होता। उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो हमारी आँखों से जाती है हमारे ब्रेन के पास, जो सेंस ऑफ लाइट को डिटेक्ट करके हमारे पास ब्रेन पर पहुंचाती है, इसके अंदर भी कोई मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन यहाँ पर नहीं होता। स्पाइनल नर्व सेपरेट द सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट। स्पाइनल नर्व जो होती है ये सेंसरी और मोटर कंपोनेंट्स को अलग अलग रखती है, मतलब स्पाइनल नर्व्स के अंदर हमारे अंदर क्या होगा, एक तो स्पाइनल कॉर्ड, एक स्पाइनल नर्व्स होंगी जो कि सेंसरी होंगी, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स होंगी जो कि मोटर होंगी, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इंटर द डोर्सल सर्फेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व जो है इसके एक्सॉन जो होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं इसके, वो कहाँ से, वो डॉर्सल साइड से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर होते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी जो है वो सबसे पहले नर्व्स आएंगी और ये सारी नर्व्स कलेक्ट होकर एक तरह का हमारे पास रूट बना देंगी, और ये रूट सारी इंटर होगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, किससे, पीछे वाली डॉर्सल साइड से। तो ये क्या है, सारी स्पाइनल सारी सेंसरी न्यूरॉन की सारी सेंसरी नर्व्स पीछे से आ रही हैं, और सारी यहाँ से जाएंगी मोटर नर्व सारी आगे वाली साइड से, वेंट्रल साइड से जाएंगी। तो इस तरह से ये दोनों पोर्शन क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं हमारे स्पाइनल नर्व वाले पोर्शन के अंदर। तो डॉर्सल रूट जो पीछे से सारी नर्व्स आती हैं वो एक रूट बनाती हैं जो, और मोटर एक्सॉन जो होते हैं वो आगे से लीव करते हैं, आगे से स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ते हैं, तो आगे वाला पार्ट वहाँ पर एक डॉर्सल रूट मौजूद होती है जो कि उसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन होते हैं, और वो एक्सॉन मोटर न्यूरॉन्स के होते हैं, तो ये स्पाइनल नर्व के अंदर प्रेजेंट होता है। द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन आर ग्रुप्ड टूगेदर आउटसाइड ईच ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर सेल बॉडीज़ जो होंगी वो सेंसरी न्यूरॉन्स की इस स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होंगी, तो सेंसरी न्यूरॉन जो यहाँ से पीछे से आ रहे होंगे सेंसरी न्यूरॉन, इनकी सेल बॉडीज़ क्या होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होंगी, और ये गैंग्लिया बना रहे होंगे, गैंग्लियन की शक्ल में बाहर मौजूद होगी इन द डॉर्सल रूट। ये डॉर्सल पीछे वाली साइड पे ये मौजूद होती है, और डॉर्सल रूट गैंग्लिया बनाती है, तो गैंग्लिया वहाँ पर सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं पीछे वाली साइड पे। द सेल बॉडीज़ ऑफ मोटर न्यूरॉन ऑन द अदर हैंड आर लोकेटेड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ की अगर बात करें जो कि यहाँ से जा रहे हैं, तो उनकी सेल बॉडीज़ इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती हैं, किस पोर्शन के अंदर, इनर पोर्शन के अंदर जो कि ग्रे मैटर होता है, तो ग्रे मैटर के अंदर ये मौजूद होती हैं, और यहाँ पर ये गैंग्लिया नहीं बनाते। तो आप ये याद रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो यहाँ पर पीछे से गैंग्लिया बनाते हैं, किस पे, डॉर्सल साइड पे, पीछे वाली साइड पे यहाँ पर गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन जाते हैं और उनकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ब्रेन है इससे जो नर्व निकल रही हैं ये सारी स्पाइनल नर्व कहलाती हैं, और इसके 12 पेयर्स हैं, मतलब 24 स्पाइनल नर्व्स हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे जो ये सारी नर्व्स हैं, ये कौन सी नर्व्स हैं, ये सारी हमारे पास क्रेनियल नहीं, स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। ऊपर वाली ये क्रेनियल नर्व्स हैं। तो स्पाइनल नर्व्स के कितनी हैं, यहाँ पर 32 पेयर्स हैं, और टोटल 64 स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।